मथुरा में धार्मिक नगरी में गांजे की सप्लाई करने वाले गैंग की महिला कोतवाली पुलिस ने स्वाट टीम के सहयोग से दबोच लिया है। पुलिस ने उनके कब्जे से 56 किलो गांजा भी बरामद किया है। पुलिस द्वारा 7 महिलाओं समेत एक युवक को एनजीपीएस अधिनियम के तहत चालान कर जेल भेजा गया है। पुलिस द्वारा 7 महिलाओं समेत एक युवक को एनजीपीएस अधिनियम के तहत चालान कर जेल भेजा है। धार्मिक नगरी में नशीले पदार्थों की तस्करी का गैंग लंबे समय से सक्रिय है, जो अलग अलग तरीकों से स्थानीय विक्रेताओं को नशीला पदार्थ सप्लाई करते हैं। वृंदावन पुलिस द्वारा लगातार ऐसे सप्लायर की निगरानी की जा रही थी। कोतवाली प्रभारी ने गैंग की नकेल कसने के लिए मुखबिरों का जाल बिछा दिया। बीती रात पुलिस को सूचना मिली थी कि पानीघाट इलाके में गांजे की खेप पहुंची है। इस पर पुलिस ने इस बात टीम के सहयोग से 7 महिलाओं समेत एक युवक को मौके से धर दबोचा, उनके कब्जे से 56 किलो गांजा बरामद किया है। आज वृंदावन पुलिस और स्वाट टीम के ज्वाइंट ऑफिसर के 8 लोग पकड़े गए हैं, जिसमें एक गोपाल डहरिया है, ये शारदा चौक गढ़ा जिला जबलपुर का रहने वाला है, और उसमें 7 महिलाएं हैं। उनमें कुछ वहाँ की हैं, उड़ीसा की हैं और यहाँ वृंदावन की हैं। ये लोग वहाँ बाहर से एनडीपीएस का सामग्री लाते थे और यहाँ पर विभिन्न लोगों को उसको सप्लाई करते थे। ये सभी लोग पकड़ करके इनसे जो बरामद हुआ 56 केजी के करीब में एनडीपीएस बरामद हुआ है, जिसकी कुल कीमत लगभग 8 लाख के करीब लगाई जा रही है। ये जो लोग यहाँ जो जिसको ला कर दे रहे थे, उनके बारे में कुछ पूछताछ में जानकारी दिए हैं, उनके बारे में जानकारी की जा रही है और उनको भी फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेज का इसमें सत्यापन किया जा रहा है। बिजनेस का प्रतीत है। जो लोग गिरफ्तार सुधार युक्त हैं, उनको माननीय न्यायालय के सामने प्रस्तुत किया गया।